नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष कुमार आरबीएम न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। कोरोना काल में सबसे ज़्यादा जो सेवा भावना से कार्य किया वो डॉक्टरों के और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ साथ हाई कर्मचारी भी शामिल रहे, जिन्होंने कोरोना योद्धा के रूप में लोगों की सेवा की, क्षेत्रों को सैनिटाइजेशन किया और अनेकों काम किए। ऐसे सफाई कर्मचारियों को कोरोना योद्धा मानते हुए जनकपुरी की धार्मिक व सामाजिक महासंघ ने उन्हें सम्मानित करने का फैसला किया। हम सीधे प्रोग्राम में चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया जा रहा है और वहां पे जो मुख्य अतिथि हैं वो सफाई कर्मचारियों के बारे में क्या कह रहे हैं। हम सीधे प्रोग्राम में चलते हैं। जनकपुरी धार्मिक एवं सामाजिक महासंघ की ओर से आज स्वच्छता सैनिकों का और कोरोना वॉरियर्स का एक सम्मान समारोह रखा गया है, जो मुझे लगता है कि बहुत ही नेक कार्य है, क्योंकि कोरोना काल में जिन स्वच्छता सैनिकों ने अपनी जान की भी परवाह नहीं की और जनकपुरी की सेवा की है, उनको आज एक सम्मान के तौर पर यहाँ बुलाकर उनका स्वागत किया है। और ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए जनकपुरी की, क्योंकि जहाँ धार्मिक संस्था धार्मिक वो रखती है, वहीं सामाजिक ये ज्ञान संज्ञान करते हुए उन्होंने ये काम किया, मैं उसके लिए उनका साधुवाद देता हूँ और उन सबको भी मैं बधाई देता हूँ जिनको ये आज सम्मान मिला है। लेकिन दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के बहुत सारे कर्मचारी इस कोरोना काल में अपनी जान को जिन्होंने गंवा दिया है, निगम ने उनको 10 लाख रुपये राशि और उनके एक परिवार के सदस्य को नौकरी देने का भी फैसला किया हुआ है और वो हम ऑलरेडी दे रहे हैं। लेकिन वहीं मैं दिल्ली सरकार से एक मांग करता हूं, जो उन्होंने कहा घोषणा की कि 1 करोड़ रुपया वो कोरोना वॉरियर्स को देंगे, वहां उन्होंने एक भी हमारे कर्मचारी को कोरोना योद्धा नहीं माना और उनको कोई भी पैसा नहीं दिया है। आज ये जनकपुरी में सामाजिक और धार्मिक महासंघ की तरफ से उन योद्धाओं को सम्मान दिया गया जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर कोरोना काल में हमारे क्षेत्र की, खास तौर पे सफाई वालों ने सेवा की, सैनिटाइज वालों ने, हेल्थ वालों ने, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने और टीचर ने जिन्होंने सूखा राशन बांटा, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। खास तौर पे धार्मिक और सामाजिक संगठन, ऐसे संगठन आगे आएंगे तो ऐसे योद्धाओं को सम्मान करेंगे, इसमें उनमें और जोश पैदा होगा सेवा करने का। और मैं दिल की गहराइयों से उनको सलूट करता हूँ कि उनके घर वाले भी थे, उनके भी छोटे छोटे बच्चे थे, घर वाले उनको मना करते थे कि ड्यूटी पे ना जाओ, लेकिन उन सभी जो हमारे हेल्थ के या सफाई के, सैनिटरी के, कोई भी जितना हमारा स्टाफ पूरा यहाँ पे आता था और उस काल में हमारे क्षेत्र की सेवा करता था, मैं मेयर साहब की तरफ से और अपने सभी निगम के कौंसलरों की तरफ से इन सफाई कर्मचारियों को सलूट करता हूँ। मैं हरबंश भरीजा, वर्किंग प्रेसिडेंट जनकपुरी धार्मिक सामाजिक महासंघ। मैं इस संस्था में, मेरा है विचार था सबसे पहले कि हम उन लोगों को सम्मानित करें जो धरती से जुड़े हुए हैं और जिन्होंने इस महामारी में इतनी मेहनत से काम किया है कि हम लोगों को, उन्होंने अपनी मेहनत से हमें बचाया है बीमारी से। तो मेरी ये सुझाव जो है, मेरे महामंत्री ने जेपी शर्मा जी, सतपाल जी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं और कोषाध्यक्ष श्री पुष्प जी, इन सब ने मेरी इस विचार को जो है सराहा और मुझे इन्होंने कहा कि आप आगे बढ़ो और इस काम को करो। अकॉर्डिंगली मैं हर SI से मिला और उनसे मैंने लिस्ट ली, उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो लोग बहुत बढ़िया काम कर चुके हैं आप हमें उनके नाम दो, और मैंने एक एक आदमी के पीछे लग के महीने भर में ये नाम इकट्ठे किए, टाइप करवाए और फिर ये सारा यहाँ पे अरेंजमेंट किया ताकि कोई आदमी रह नहीं जाए। हमने एक एक आदमी का नाम चेक करके उनको सम्मानित किया है, 1,000 रुपया, 1 सैनिटाइज़र और 1 जो है हमने उनको मास्क दिया है और साथ में 1 प्रसाद के रूप में 4 लड्डू का डब्बा दिया। मैं उन सब लोगों का धन्यवादी हूँ
जो यहाँ आए, जिन्होंने हमारे इस सम्मान समारोह का शोभा बढ़ाई, और मैं आप लोगों का भी बहुत ज़्यादा आभारी हूँ कि आप लोगों ने आगे बढ़कर हमारा जो सहयोग दिया है और जो प्रचार देंगे आप, मैं उसके लिए आपका शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद। दिल्ली बहुत ही भयानक समय से निकल रही थी, तब हमारे ये कोरोना वॉरियर्स अपनी जान की परवाह न करते हुए जनकपुरी निवासियों की सेवा में जुटे हुए थे। मैं समझता हूँ इन कोरोना वॉरियर्स का जितना भी सम्मान किया जाए वो कम है। जनकपुरी धार्मिक एवं सामाजिक महासंघ की कार्यकारिणी ने यह फैसला लिया कि इन कोरोना वॉरियर्स को, जिन्होंने जनकपुरी को स्वच्छता प्रदान करके अपनी जान पर खेलकर ये उन दिनों इतना सफल प्रयास किया है, कार्य किया है, उनको सम्मानित करना। हम समझते हैं ये हमारे अवभाग्य हैं कि इनका अधिक से अधिक सम्मान किया जाए, और भविष्य में भी हम प्रयत्न करेंगे कि जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं उनको समय समय पर प्रोत्साहित करते रहें, ताकि एक ऐसी भावना जागृत हो कि वो इसी प्रकार से कर्मयोगी के रूप में कार्य करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।